This is the third video from class 7, chapter 3, structure of matter. Difference between compound and mixture. हम लोग देखते हैं नया टॉपिक डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर. देर आर मेनी डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सर. These are यहां compound यहां mixer compound. The substance which is formed from combination or reaction between two or more types of an element in fixed ratio. मिक्सर में द सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम कॉम्बिनेशन और रिएक्शन बिटवीन टू और मोर types of an element or compounds in any ratio is known as mixture. It is formed chemically. It is formed physically. It is separated by its own constituents. It is separated by its own constituents only through chemical process. It is separated by physically properties of compounds is different from its own constituents elements. Its properties is just like its constituents elements or compounds etc.
ये सारा का सारा बहुत सारा डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। तो हम लोग एलिमेंट जाने, कंपाउंड जाने, मिक्सर जाने। अब एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर जानने के बाद, जैसा कि आप कुछ तो पिछले क्लास में पढ़े होंगे, कुछ इस क्लास में पढ़ रहे हो और कुछ जब तुम एट में जाओगे तो वहां पढ़ने को मिलेगा। हम लोगों के सराउंडिंग्स में देर आर 118 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर फाउंड। हम लोगों के सराउंडिंग में 118 प्रकार का एलिमेंट्स पाया जाता है। अब ये जो 118 प्रकार का एलिमेंट होता है, इस 118 प्रकार के एलिमेंट में से 92 एलिमेंट नेचुरल एलिमेंट होते हैं, जबकि 92 के अलावे जो भी एलिमेंट्स बच गया वो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स है जो हमारे साइंटिस्टों के द्वारा लैब में बनाया गया है। बट टोटल यदि आर्टिफिशियल और नेचुरल सारे के सारे एलिमेंट्स को हम लोग कंबाइन करें तो अभी तक जो नन एलिमेंट है वो 118 एलिमेंट्स हैं। जैसे कुछ देर पहले आपको वीडियोस में बताए हम कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स, और उस 26 लेटर को आपस में एक दूसरे के साथ जैसे रिएक्शन बोलते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन बोलते हैं, जैसे अरेंजमेंट बोलते हैं, तो उससे हम लोग इनम्बरेबल टाइप्स ऑफ असंख्य जिसकी काउंटिंग नहीं हो सकती है उतने प्रकार के हम लोग वर्ड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो 118 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है, ये 118 टाइप्स ऑफ एलिमेंट, इसमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसा होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, बट मोस्टली जो एलिमेंट्स होते हैं वो मोस्टली एलिमेंट्स कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है, एक दूसरे से रिएक्ट करते रहता है। क्यों करता है आगे जाके देखेंगे। तो ये जो 118 टाइप्स ऑफ एलिमेंट है उसमें से कुछ एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी के जो भी एलिमेंट्स बचे वो सारे के सारे एक दूसरे से रिएक्ट करते रहते हैं, और रिएक्ट करके फिर दूसरा सब्सटेंस, दूसरा कंपाउंड, दूसरा मिक्सर वगैरह वगैरह बनते रहता है। तो अब ऐसा है कि ये 118 टाइप्स ऑफ एलिमेंट, अब जैसे ऑक्सीजन एलिमेंट, जैसे कार्बन एलिमेंट, जैसे आयरन एलिमेंट, जैसे जिंक एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट, जैसे मैग्नीशियम एलिमेंट, जैसे कैल्शियम एलिमेंट एटसेट्रा। तो हम लोग जो ये नाम बोलते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, सल्फर, जिंक वगैरह वगैरह, और फिर इससे बनने वाले, ये तो एलिमेंट का नाम बताया, और फिर इससे बनने वाले बहुत सारे कंपाउंड्स, तो इस सब का नाम लिखने में बड़ा इनकन्वीनियंट होता है, असुविधाजनक होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है। एलिमेंट का नाम भी बड़ा बड़ा होता है। तो हमारे साइंटिस्टों ने इसको ठीक ढंग से पढ़ने के लिए, इसको ठीक ढंग से याद रखने के लिए, इसको अपने मेमोरी में हमेशा मेंटेन करने के लिए कुछ सिंबल का उन्होंने इस्तेमाल किया, और जिस सिंबल के सहायता से हम लोग इस 118 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को इजीली याद करते हैं, इजीली याद रखते हैं, ये हमारे मेमोरी में होता है। द सिंबल विच इज यूज टू नो एनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इज टर्म्ड एज सिंबल ऑफ एलिमेंट, उसे हम लोग सिंबल्स ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। अब यदि इस सिंबल की हम लोग बात करें तो ये सिंबल, जैसे लिखते हैं हम लोग सिंबल, सिंबल सिंबल्स, the letter which is used to know any types of an element is known as symbols। अब ऐसा है
कि लेटर का इस्तेमाल किया गया सिंबल को जानकारी रखने के लिए, सिंबल की जानकारी रखने के लिए। अब जैसे यहां पे देखिए कार्बन, कार्बन तो हम लोग लिख लेते हैं सी। जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिख लेते हैं ओ। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एन। जैसे कि सल्फर, सल्फर एस। जैसे कि सोडियम, नहीं सोडियम नहीं, दूसरा देखिए। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एच। ये सब, तो ये जो लेटर का इस्तेमाल किया गया सी ओ एन एस एच वगैरह वगैरह, ये हो गया सिंबल्स। बट ऐसा है कि एक सिंबल से बहुत सारे एलिमेंट आ जाते हैं। जैसे अब यहां पे लिखे कार्बन, कोबाल्ट को ले लीजिए, तो कार्बन भी शुरू होगा सी से और कोबाल्ट भी शुरू हो जाएगा सी से। तो इसमें जो कंफ्यूजन आएंगे उससे बचने के लिए सबसे पहले लिया गया लेटर, और लेटर के बाद वो जो प्रोनाउंसिएशन आता है उसका, जो प्रोनाउंसिएशन का जो सेकेंड लेटर आएगा उसको लिया गया। जैसे हम यहां पे लिखे कार्बन और यहां पे लिखना होगा कोबाल्ट, कोबाल्ट, तो इसके लिए सीओ ऐसा इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हम लोग इसे लिखते हैं उसी को हम लोग सिंबल्स ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियोस।